बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने रेड हैट लिनक्स वर्जन 7 की जाके रूट पासवर्ड को रीसेट कर लेना है, रूट पासवर्ड को रीसेट कर लेना है। वर्चुअल मशीन हमारे पास यहाँ पर रेड इंस्टॉल है, तो यहाँ पर वर्चुअल मशीन पर रेड हैट भी और वीएमवेयर भी है, तो वीएमवेयर करके देते हैं। यहाँ पर मेरे पास रेड हैट ये मेरे पास पड़ी है, यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ, इसका पासवर्ड चेक कर लेता हूँ, पासवर्ड है क्या मेरे पास। ठीक है, फिर चेक करते हैं अगर रूट कहते हैं किस चीज़ को। हमारे पास विंडोज़ में अकाउंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, आपके पास पावर यूज़र, देन यूज़र। यूज़र में राइट्स कितने होते हैं, यूज़र लोगों के पास 10% के राइट्स होते हैं और पावर यूज़र के पास 90% की राइट्स होती है, देन एडमिनिस्ट्रेटर के पास 99.9% बोले तो 100% राइट्स होती है। तो हमारे पास इसी तरह से जब आप लिनक्स की इंस्टॉलेशन करते हो, इंस्टॉलेशन के लास्ट में आपसे जाके कोई अकाउंट वहाँ पर यूज़र नेम देन पासवर्ड जाके मांगा जाता है, उसे कहते हैं पावर यूज़र। और उसके साथ एक होता है रूट। रूट हमारे पास जैसे विंडोज़ में लाइक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ही जाके काम करता है। एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, आज भी सुन लो, हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश एंड बैक स्लैश दो जाके यहाँ से होती है। ठीक है, वहाँ पे सिंबॉलिक की आती है, इसका काम क्या है। फॉरवर्ड स्लैश कहाँ पे यूज़ करना होता है, अगर आप न्यू चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, दिन जाके फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हो। रूट के लिए भी हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड स्लैश जाके हम यूज़ करते हैं। कभी बैक स्लैश के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, सोचा होगा, बैक स्लैश करता है क्या, रिटर्न करता है प्रीवियस, अगर कोई चीज़ आपके पास पड़ा हो उन्हें एक्सेस करने के लिए हम जाके बैक स्लैश यूज़ करते हैं, जिसे लोग बैकवर्ड स्लैश भी कहते हैं। अगर आप लोग नेटवर्क के ऊपर कोई भी सिस्टम एक्सेस करना चाहते हो तो रन में क्या लिखते हो, डबल बैक स्लैश लिखते हो, देन जाके उसके आईपी एड्रेस या कंप्यूटर नेम लोकल क्या हो लोकल नेटवर्क के ऊपर इन्हें देते हो, देन जाके पीसी को एक्सेस कर सकते हो, उसके डेटा को जाके एक्सेस कर सकते हो। ये मेरे पास पावर यूज़र अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे रूट के ऊपर आना चाहता हूँ, रूट का पासवर्ड देखता हूँ, यूज़र नेम टाइप कर लेता हूँ रूट, देन पासवर्ड मेरे पास रूट था, चेक कर लेता हूँ, रूट नहीं लग रहा। ठीक है, इसी तरह कोई भी मेरे पास वहाँ पे हो भी यहाँ पे पासवर्ड नहीं लग रहा, लेकिन मुझे शायद पता हो पासवर्ड मैंने इसका CCI दिया था, चेक कर लेते हैं, कल चेंज की थी इन्हें, फोर टाइम्स फोर 1 2 3 4 4 टाइम्स 4 जाके चेक कर लेते हैं, अभी जाके लॉगिन हुआ मेरे पास। समझो हम लोग ये पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड भूल गए, इन्हें करना कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको रीसेट करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को जाके इन्हें रिस्टार्ट करना होगा, मेरे क्या करना होगा, रिस्टार्ट करना होगा। टर्मिनल के थ्रू करना चाहते हो, वर्चुअल मशीन के थ्रू करना चाहते हो, वर्चुअल मशीन से भी आप राइट क्लिक से जाके इन्हें रीसेट कर सकते हो, ठीक है, रिस्टार्ट कर सकते हो। टर्मिनल से भी जाके कमांड दे सकते हो, टर्मिनल से हम लोग कमांड क्या देते थे, रिबूट भी होगा, ठीक है, और शटडाउन से भी होगा, शटडाउन से होगा, शटडाउन FNR के स्विच लगाते हैं, ठीक है, नाव से जाके शटडाउन कर सकते हैं, इन सिक्स से भी जाके कर सकते हो, ठीक है, शटडाउन की हम लोगों ने कमांड जाके पड़ी थी। जब इस शुरू में स्टार्ट होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जो बूट फाइल होती है आपने इसको वहाँ पे एडिट कर लेना है, ई प्रेस कर लेना है, क्या प्रेस कर लेना है, ई। तो नीचे आप आ जाए, आप स्क्रॉल डाउन कर लें, यहाँ पे के पास एक लाइन आ रहा है आपके पास, कौन सा, यहाँ पे लिनक्स 16 की थर्ड बल्कि सेकेंड लाइन के ऊपर, यहाँ से RHGB स्पेस क्विट जो आपके पास आ रहे हैं, इन्हें रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, इन्हें रिप्लेस कर ले, क्यों हमारे पास यहाँ पे जो रूट की जहाँ पर पासवर्ड जब पड़ी हुई है वो बिन बेस पे जाके पड़ी है हमारे पास यूज़र के साथ इंफॉर्मेशन पे। तो मैं आना चाहता हूँ यहाँ पे, करता क्या हूँ, यहाँ पे इसे चेंज कर क्लिक करके इन्हें बेस पे कर ले, यहाँ पे टाइप कर ले इनिट स्पेस स्लैश बिन स्लैश बेश, यही होगा। अब गलती से लोग इन्हें यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, फिर आगे से परेशान रहते हैं, ये तो हम लोगों ने स्क्रिप्ट में जाके कोडिंग में कुछ चेंजिंग कर लिया, अब क्या कर ले, कोई मसला नहीं, बैक स्पेस प्रेस कर ले, वापस इसी पोजिशन के ऊपर आ जाओ,
अब इन्हें बूट करना हो, क्या करना है, इन्हें बूट करने के लिए हम लोग जाके क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल एक्स है, क्या है कंट्रोल एक्स, इन्हें जाके इन्हें बूट कर ले, कंट्रोल एक्स प्रेस कर ले। देन हम लोग इसके ऊपर आना चाहते हैं, इसे माउंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं माउंट, माउंट है क्या हमारे पास, पहले भी मैंने डिस्कस की थी, शायद वो सुना हो, कभी हम लोगों ने किसी ड्राइव को माउंट करते हुए देखा है, कभी किसी ड्राइव को माउंट किया है हम लोगों ने, समझो मेरे पास कोई इमेज पड़ी हुई है, विंडोज की है, किसी भी प्रोग्राम की है, किसी लिनक्स की है, यूनिक्स की है, सनसोलिस की है, मैकिंटोश की है, व्हाटएवर जो कुछ भी हो आपके पास, उन्हें माउंट करना चाहते हो किसी वर्चुअल ड्राइव से, यहाँ पे चेक करता हूँ, जी मेरे पास वर्चुअल ड्राइव इंस्टॉल है, पावर इशू का मैं इसके ऊपर, मेरे पास इमेजेस है, बहुत से इमेजेस पड़े हुए, मैं राइट क्लिक करता हूँ, पावर इशू में आता हूँ, इन्हें माउंट करना चाहता हूँ, ठीक है, कौन सी मेरे पास यहाँ पे विंडोज, ये भी मेरे पास एक्सपी भी पड़ी हुई है, चलो विंडोज एक्सपी देखते हैं, विंडोज एक्सपी को जाकर माउंट कर लेते हैं, आप जैसे लाइक सीड्रूम की तरह इसके साथ भी कर सकते हो, जैसे सीड्रूम की तरह जा इन्हें एक्सेस कर सकते हो। तो अब मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ पे इन्हें माउंट कर लेना है, क्या करना है, सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ माउंट, माउंट करना चाहता हूँ, ये मेरे पास ये साइन आ रही है, ये किस चीज़ की है, ये पाई की है, किस चीज़ की है, पाई की है, ये सी सी एन पी में हम लोग जाके इन्हें पढ़ेंगे कुछ शो कमांड्स, सी सी ने भी शायद मेरे पास शो की थी, शो कमांड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, देन पाई साइन लिख लेते हैं, शो यहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कर ले, देन पाई साइन दे दे, आगे से कुछ इंक्लूड कुछ और कोई और कमांड यहाँ पे लिख ले इसके साथ, ठीक है, मतलब एक आध कमांड को जाके मिक्स कर लेना हो, ठीक है, मर्ज कर लेना हो, मैं शो से एक ही कमांड दे सकता हूँ, और या मैं पाइप की, सॉरी पाई नहीं, पाइप, पाइपिंग जो यहाँ पे होती है, डॉजन भी हम लोगों ने पढ़ी थी, ने डिस्कस की थी पाइपिंग की, तो पाइप की जो यहाँ पे हमारे पास कमांड है, मैं इसे गूगल में सर्च कर लेता हूँ, पाइप सिंबल, ये आपके हमारे पास आ रही है, ठीक है, पाइप कैरेक्टर, ये भी हमारे पास यहाँ सिंबल आ रही है, तो दिन आते हम लोग यहाँ पे इन्हें माउंट कर लेते हैं, क्लिक क्लिक करके यहाँ पे माउंट, माउंट करके यहाँ पे पाई साइन दे देते हैं, देन और ग्रिप की कमांड पड़ी थी, अच्छा ग्रिप नहीं पड़ी थी, अच्छा उसको पड़ी थी, ग्रिप इसको आईपन डब्ल्यू की स्विच दे दे और रूट के ऊपर आ जाए, कहाँ पे रूट के ऊपर, किसे ग्रिप करके वहाँ पे कर ले, असाइन कर ले रूट को, तो जैसे ने यहाँ पे इंटर कर ले, क्या कर ले इंटर कर ले, अब मैंने यहाँ पे इसको माउंट आईफन क्या आपके पास ओ, ठीक आईफन ओ री माउंट कर ले, किस पे मैंने रीड भी करना है और राइट भी करना है, ठीक है, इसको मैंने देखना है जाके इसमें चेंजिंग करनी है, मैंने रीड राइट कर लेना है किस चीज़ में यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे स्पेस देके रूट के ऊपर मैंने काम करना है, ये फोर्स स्पेशली स्टेम रूट ही है, अब दूसरा कमांड वापस मैंने इसको माउंट कर लेना है, क्या कर लेना है माउंट पाई स्पेस ग्रिप कर लेना है राइट करके किसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास में जाके यहाँ पे रूट लिखे पावर स्टेशन इंटर कर लेना, इंटर कर ली, अब यहाँ पे आ जाए, अब जाके पासवर्ड टाइप कर लें, पासवर्ड किसे ये कि यहाँ पे सुन परेशान थे कि ये सर हम लोग जब आए यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर बूट जाके फाइल ग्रब के ऊपर आए एडिटिंग करने जा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास ये किस यूज़र के ऊपर काम कर रहे हैं, ये सोच जाके रूट के ऊपर डायरेक्टली वहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर पोजिशन भी रूट की दी है फॉर स्टेज वहाँ पर यूज़ करूँ, लेकिन ये बेसिकली भी हमारे पास रूट के ऊपर ही काम कर रहा है, इन्हें एंटर कर लें, न्यू पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, 4x5 था, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप करता हूँ PASSWORD पासवर्ड, एंटर कर लें PASSWORD पासवर्ड, कोशिश करें कि ये मिसमैच ना हो, ठीक है, सेकेंड टाइम आपसे क्या मांगा आप कन्फर्मेशन मांग रहे हैं, रीटाइप योर न्यू पासवर्ड, देन सेम पासवर्ड टाइप कर लें, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टच हम यूज़ करते थे एक एम्प्टी फाइल को बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्लैश डॉट
आटो री लेबल के नाम से एक यहाँ फाइल बनाते हैं, री लेबल, री लेबल कुछ ऐसे है। मुझे रोका करो भाई, स्पेल मिस्टेक हो सकते हैं, इंसान आजीज़ हूँ मैं तो, बहुत ही आजीज़ हूँ। सही, इंटर कर लेने यहाँ पे, इंटर की आप लोग हम लोगों ने क्या करना है, पहले ये चेक कर लेते हैं ls यहाँ पे आईफन एल टी आर ए या स्पेस रूट के ऊपर चेक करें जी। रूट मेरे पास लास्ट में आ रहा है, बिल्कुल रूट में मेरे पास राइट एग्जीक्यूशन की कमांड है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल आता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ठीक, स्लैश एस बिन स्लैश इनिट के ऊपर इंटर कर लेते हैं। सही, अभी रिस्टार्ट होगा, देन उन लोगों ने भी अभी चेक कर लेना है कि पासवर्ड चेंज हुआ या नहीं। पहले पासवर्ड किया जाए तो मैंने फोर टाइम्स फोर आया था मेरे पास, अब मैंने पासवर्ड किया दिया रिसेंटली, पासवर्ड ही दिए यहाँ पे PASWORD पासवर्ड। चेंज करना हो कभी भी यहाँ पे पासवर्ड ना लिखा करिए, PASWD लिखा करें। ये हमारे पास रेडेट 7.0 एंड 7.5 के लिए जाके यूज़ कर सकते हो। रेडेट 6 के लिए इसका मेथड थोड़ा सा चेंज आ रहा है, वो नॉर्मल ही है, वहाँ पे कोई खास इतना इशू नहीं इसमें, वो सिंपल ही आपके पास, उसमें जहाँ पे आपके पास आ रहा है यहाँ पे RHGB यहाँ पे स्पेस क्विट आ रहा है, तो इसके इन्हें स्पेस दे के आगे से एक न्यूमेरिकल की 1 प्रेस कर ले, या वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे RHGB स्पेस क्विट के आगे स्पेस दे के वहाँ सिंगल लिख लें, सिंगल भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, देन जाके उसके ऊपर काम कर सकते हो। और ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो इसके ऊपर हम लोगों ने सेंटोस जो हमारे पास फ्लेवर है लेंस की, इसी के ऊपर भी काम करते हैं, इसकी रूट पासवर्ड को रिसेट कर लेते हैं। और इससे ज़्यादा के लिनक्स में जिस भी कमांड के ऊपर काम करते हो, लिनक्स है सिक्योर के पास, लिनक्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर कोई वायरस वाला अटैक नहीं कर सकता, वायरस की उन्होंने ऐसे फ्लॉस वहाँ पर छोड़ी ही नहीं। तो ये आपके ज़्यादातर जो भी कमांड होते हैं उन्हें रूट की परमिशन चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, रूट की परमिशन वहाँ पर चाहिए होती है। तो रूट का पासवर्ड इंसान है भूल सकते हैं, कोई भी चेंज भी कर सकते हैं, तो देन इन्हें आप लोग रिसेट कर सकते हो, कोई तो मुश्किल नहीं, आसान से कॉपी होती है मेथड था हमारे लिए। तो आप चेक कर लेते हैं, मेरे पास CCI अकेडमी के नाम से भी एक अकाउंट है, उन्हें एक्सेस नहीं करते हैं, देन जाके रूट के ऊपर काम कर लेते हैं। लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसके ऊपर, ये VMware है और वर्चुअल मशीन मेरे पास मेरे ख्याल से, चलो इसी के ऊपर देख लेते हैं इसका पासवर्ड क्या था, CCIE PASWORD पासवर्ड, अच्छा इसका भी पासवर्ड था, नहीं नहीं इसको चेंज नहीं किया भाई, इस रूट को हम लोगों ने चेंज किया था, हम लोगों ने रूट को जाके चेंज किया था, इसको कहाँ चेक किया, रूट को हम लोगों ने जाके चेक की थी। ये टर्मिनल यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन टर्मिनल में आ जाता हूँ, ओपन टर्मिनल से यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो वेट कर, अच्छा यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, ये मेरे पास SU इंटर कर ले रूट के ऊपर PASWORD इंटर करते हैं रूट के ऊपर आए पे, यहाँ पे कर ले PMC पिकल कर ले डायरेक्टली, यहाँ पे आ जाए, यहाँ से लुकअप करना चाहते हो या यहाँ पे जिस तरह से आपकी मजा पी सी यहाँ पे, लेकिन मैं करता हूँ पावर ऑफ, आगे इसमें क्या काम करना है, कुछ भी नहीं करना है, बाई फोर्स करना चाहते हो तो कोई लीगल तरीका तो नहीं, लेकिन कर ले ठीक है, करना चाहते हो कर सकते हो नहीं, और इसकी कोई चीज़ इसकी हिस्ट्री लेके कमांड उसके ऊपर काम किया लोगों ने नहीं जी, इस चीज़ की आ रही हिस्ट्री को जाके क्लियर कर ले इसकी,
एबेंसी लगाने, ठीक, दिन यहाँ से पे पावर ऑफ अपन एफ कर लें, इसे शट डाउन कर लें, देन हम लोग भी यहाँ पे अपनी वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं, ठीक।